नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 7/5 ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल. सबसे पहले हमें साइड्स गिवन है ड्रॉ करेंगे. एसी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एसी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर. मैं कंस्ट्रक्शन के स्टेप साथ साथ में बोल रही हूं. फर्स्ट स्टेप आ गया ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर. एसी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. ओपन ए कंपास विद रेडियस 6 सेंटीमीटर और ए पे रख के हमने 6 सेंटीमीटर की आंख लगाई. देन ओपन अ कंपास विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट सी 5-6 सेंटीमीटर. सबसे पहला स्टेप ड्रॉ लाइन सेगमेंट एसी. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एसी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर विथ ए एज सेंटर. Draw an arc of 6 centimeter with C as center. Draw an arc of 5 centimeter. These arcs will intersect at point B. Join AB and BC. Therefore, ABC is given triangle. यही किया हमने. सबसे पहले AC 7 सेंटीमीटर स्केल से मेजर किया. A पे कंपास रख के 6 सेंटीमीटर की आंख जो हमने ओपन की थी 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया. A पे रख के आंख लगाई. देन 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया. C पे रख के एक आंख लगाई. दोनों आर्क्स कट करेंगे बी पॉइंट पे. उसे हमने ज्वाइन किया ए और सी से तो हमारे पास ट्रायंगल आ गई. अब हमें जो रेशियो गिवन है 7/5 न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर तो ट्रायंगल जो बनेगी आउटसाइड बनेगी इस ट्रायंगल के. उसके बाद ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एट पॉइंट ए. 60 डिग्री का हमने एंगल बना दिया एट पॉइंट ए. ड्रॉ एन एक्यूट एंगल विद एनी रेडियस मैक्सिमम जो वैल्यू है 7 है. विद एनी रेडियस ड्रॉ 7 इक्वल आर्क्स फ्रॉम पॉइंट ए. नाम देंगे ए ए वन इक्वल्स टू ए वन ए टू ए टू ए थ्री ए थ्री ए फोर ए फोर ए फाइव ए फाइव ए सिक्स ए सेवन. किसी भी रेडियस का कंपास ओपन किया. ए पे रख के एक आर्क ए वन. ए वन पे ए टू. ए टू से ए थ्री फोर फाइव 6 and 7. So A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. क्योंकि अब हमारी ट्रायंगल आउटसाइड बननी है तो हमारे पास ये वैल्यू है 5. तो हम A5 को C से मिलाएंगे. अगर इनसाइड बनती तो मैक्सिमम वाली वैल्यू को लास्ट पॉइंट से मिलाना है और अगर आउटसाइड बनेगी मिनिमम वैल्यू 5 को हमने मिला दिया. नाउ कोई भी रेडियस का कंपास ओपन किया ए फाइव पे रख के आ उतनी ही ओपन करके ए सेवन पे. लाइन देखने में भी पैरेलल होनी चाहिए. एसी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दिया. इसे नाम दे दिया सी डैश. उतना ही कंपास ओपन किया हुआ सी पे रख के सी डैश पे रख के आ और ये हमारे इसको भी हमने एक्सटेंड किया. नाम दे दिया बी डैश.
नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, यहां तक हो गया था. नाउ ज्वाइन A5C, यहां तक नोट कर लीजिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट इज ज्वाइन A5C, ज्वाइन A5 और C को ज्वाइन किया. ड्रॉ A7C' पैरेलल टू A5C एंड B'C' पैरेलल टू BC. देयरफॉर ट्रायंगल AB'C' इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल. जो हमें ट्रायंगल चाहिए थी वो हमने ड्रॉ कर दी. अब हम जस्टिफिकेशन करेंगे कि जो हमने ड्रॉ किया है कैसे आएगा वो. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AB'C', हमें कहा है कि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. सिंस दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होगी. AB' अपॉन AB, AC' अपॉन AC, BC' अपॉन BC. अब अगर हम देखें AC' अपॉन AC, AC' किसके इक्वल है? AA7, AC, AA5 और ये हमारे पास 7:5. अगर AC' अपॉन AC 7/5 है, ये तीनों साइड्स इक्वल है तो ये भी सेम हो गई. AC' अपॉन AC, BC' अपॉन BC इज इक्वल्स टू 7/5. तो जो हमारे पास अब रिक्वायर्ड ट्रायंगल आई है उसकी जो साइड्स हैं गिवन ट्रायंगल की साइड्स की 7/5 है कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज की. क्लियर? नोट इट डाउन.